छतरपुर के बड़ा मल्हारा उपचुनाव की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक ओर जहां भाजपा के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी कोरोना पॉजिटिव होने से भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती हैं, तो वहीं अब बड़ा मल्हारा उपचुनाव को लेकर भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती को कमान सौंपी गई है। जिसके बाद जहां अब कांग्रेस से प्रत्याशी साध्वी रामसिया भारती वोट मांग रही हैं, वहीं भाजपा प्रत्याशी के लिए पूर्व सीएम और साध्वी उमा भारती चुनाव मैदान में आ गई हैं। बड़ा मल्हारा में उमा भारती के चुनावी कमान संभालने के बाद अब यहां राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। बड़ा मल्हारा से अब दो साध्वी चुनाव प्रचार मैदान में हैं। गौरतलब है कि बड़ा मल्हारा से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिनको भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती किया गया है। उमा भारती के कमान संभालते ही अब यहाँ से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब चुनावी मैदान में दो साध्वी हैं। एक तरफ जहाँ कांग्रेस से प्रत्याशी साध्वी रामसिया भारती खुद के लिए वोट मांग रही हैं, वहीं दूसरी ओर साध्वी उमा भारती भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी के लिए प्रचार कर रही हैं। उमा भारती के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी भाजपा को जिताने के लिए चुनावी मैदान में हैं। उमा भारती प्रहलाद पटेल के साथ गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रही हैं, यह भी कह रही हैं कि प्रद्युम्न चुनाव नहीं लड़ रहा, खुद वे चुनाव लड़ रही हैं। नहीं, ये प्रोग्राम पहले से तय था, मोर्चा तो संभालना है कार्यकर्ताओं ने, मेरा तो पहले से तय था। यहाँ मेरी इच्छा थी एक दिन ना यहीं की हूँ ना मैं, तो हेलीकॉप्टर से आए और फिर उड़ गए, तो इसीलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये प्रोग्राम तो 3 दिन पहले बन गया था कि मुझे थोड़ा रोड से ले चलो, सबसे मिलना है। क्या होता है हेलीकॉप्टर से आने में बात नहीं हो पाती सबसे, इसलिए। लेकिन हाँ ये है कि अब प्रहलाद जी को मोर्चा संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ के सांसद हैं। बस लोगों से मिल रही हूँ, आप ही लोगों से, सब लोगों से। नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी में कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, कार्यकर्ता ही आखिरी दिन की लड़ाई लड़ता है। उम्मीदवार रहता है तो ये बात सच है कि लोगों को प्रसन्नता होती है, लेकिन खुद उमा जी ने जो आज फैसला किया है और वो खुद लोगों से मिलती हुई जा रही हैं, वो कह रही कि मैं खुद उम्मीदवार हूँ, तो मुझे लगता है वो मंच पर भी ये बात कह चुकी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेटवर्क में बूथ पर कहीं कोई कमी नहीं होती, और इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव होगा और हम सबकी जिम्मेदारी है और हर कार्यकर्ता जिम्मेदारी को लेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।